प्रिय छात्रों, आज मैं लेकर एक बार फिर से उपस्थित हूँ कक्षा 11वीं के हिंदी के पद्य खंड में संकलित पदावली नामक शीर्षक के 5वें और 6वें पद्यांश को, जिसके रचनाकार संत कबीरदास जी हैं। तो प्रारंभ करते हैं 5वें से। हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। तो यहाँ पे जो है संत कबीरदास जी कहते हैं कि हम न मरे मरी हैं संसारा, हम नहीं मरेंगे सारा संसार मर जाएगा। हम नहीं मरेंगे सारा संसार मरेगा। क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि हमको मिला जियावन हारा, क्योंकि हमें तो जो है जीवन देने वाला, जियावन हारा जीवन देने वाला जो है मिल गया है, इसलिए हम मरेंगे नहीं। कभी का आशय यह है कि मृत्यु का डर उन्हीं अज्ञानी जनों को होता है जिन्हें आत्मज्ञान नहीं होता। वास्तव में जो है आत्मा अजर और अमर है। तो अब न मरो मरने मनमाना, ते मुए जिन राम न जानो। तो कबीरदास जी आगे कहते हैं कि अब मैं ना तो मरूंगा ना मन में मरने का भय मानूंगा। अब न मरो मरने मन माना, ना तो मैं अब मरूंगा और जो है ना ही मन में जो है मरने का भय मानूंगा। ते मुए जिन राम न जाना, वही मरेंगे जो जो है ब्रह्म यानी परमात्मा को जानते नहीं। साकत मरे संत जब जनजीवे, साक्त लोग जो है मरेंगे, संत लोग जीवित रहेंगे। भरी भरी राम रसायन पीवे, तो जो है राम रूपी जो है रस का जो है रसास्वादन संत लोग करेंगे। हम मरी हैं तो हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं। अगर परमात्मा मरेगा तो जीवात्मा भी मरी, कहने का तात्पर्य अगर भगवान मरेंगे तो हम भी मरेंगे आत्मा, क्योंकि आत्मा जो परमात्मा का अंश माना गया है, अगर परमात्मा की मृत्यु होगी तो आत्मा की भी मृत्यु होगी। हरि न मरे हम काहे को मरे, यदि परमात्मा नहीं मरेंगे तो हम क्यों मरेंगे। कहे कबीर मन ही मन मिलावा, कबीर दास जी कहते हैं कि जो है मन ही मन मिलावा, हमारी आत्मा और परमात्मा से जो है मिलन हो गया है, इसलिए जो है हम अमर भय सुख सागर पावा, इसलिए जो है हम अमर हो गए हैं और हमने जो है सुख का सागर, हमने जो है सुख का सागर पा लिया है। तो 6वें में है। काहे रि नलनी तू कुमिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। यहाँ पे जो है आत्मा को जो है नलनी का रूप दिया गया है। तो कहते हैं कि हे आत्मा रूपी कमलनी, हे आत्मा रूपी कमलनी जो है तुम ब्रह्म कृपा रूपी आर्द्रता के अभाव की आशंका से क्यों कुमला रही हो। तेरे ही नाल सरोवर पानी, तुम्हारे तो जड़ में ही ब्रह्म रूपी पानी है, अर्थात तुम्हारी मूल उत्पत्ति जो है ब्रह्म रूपी जल में ही हुई है। जल में उत्पत्त, जल में वास, जल में नलनी तो निवास। तुम्हारा जन्म जो है, तुम्हारा जन्म निवास और विकास सब कुछ जो है जल में ही होता है, ब्रह्म रूपी जल में ही होता है, अर्थात सभी दशाओं में तुम्हारा ब्रह्म से लगाव रहता है। ना तल तपत ना ऊपर आगी, ना तो तुम्हारे नीचे उष्णता है और ना ऊपर अग्नि है, अर्थात कहने का तात्पर्य तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। तो हे तू कहू काशन लागी, तो बताओ तुम्हारा प्रेम जो है किससे लगा हुआ है जिसके विरह ताप में तुम मुरझा रही हो। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो आत्मा रूपी जीवात्मा रूपी कमलनी रूपी ब्रह्म रूपी जल के समान ही है, जो जीवात्मा रूपी कमलनी है वह ब्रह्म रूपी जल के समान ही है, तो हमारी राय है वह कभी नष्ट नहीं हो सकती, अर्थात जीवात्मा ब्रह्म का ही अंश है, अतः इसका विनाश जो है नहीं हो सकता, इस संबंध में जो है चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज जो है कबीरदास की पदावली समाप्त हुई। तो अगले वीडियो में अगले पाठ को लेकर प्रस्तुत होंगे।